नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इस बार मेरा जो सब्जेक्ट है वो है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक कंपनी के अंदर बड़ी प्रॉम्प्टली यूज़ किए जाते हैं और इनके बीच हमें भेद करना, अंतर करना, डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यह समझाने में मदद करेंगे कि इन तीनों का क्या मतलब होता है, उनमें क्या अंतर है और वर्क प्लेस में इसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊँ कि अथॉरिटी वो शक्ति है जो किसी एक व्यक्ति को उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन, उसके पद के आधार पर दी जाती है। जो मैनेजमेंट है वो जो है उसके पद को ध्यान में रखते हुए कि उसका जो पोजीशन है, उसका जो रोल है, उसको जो है पूरा करने के लिए उसको कितनी अथॉरिटी दी जाए ताकि वो अपने काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। तो पोजीशन के हिसाब से अथॉरिटी दी जाती है कि किस पोजीशन पे, कितनी सीनियर पोजीशन पे, कितनी उसको ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से कंपनी मैनेजमेंट उसको अथॉरिटी देती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अथॉरिटी जो है किसी एक व्यक्ति की पद, पोजीशन जो उसकी है उसके आधार पे दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को एचआर की बात करें तो किसी को अपॉइंटमेंट लेटर साइन करना है, तो अपॉइंटमेंट लेटर हर आदमी नहीं साइन कर सकता। अपॉइंटमेंट लेटर एक जिम्मेदार अधिकारी, एक जिम्मेदार ऑफिसर ही साइन कर सकता है। उसी तरह से एलओआई लेटर, उसी तरह से बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शन, बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर के एक्शन जो एचआर को लेने होते, तो वो एक अथॉरिटी के बेस पे कितना काम कौन सा आदमी कर सकता है उसी के बेस पे अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल को उसकी पोजीशन के हिसाब से दी जाती है। तो दोस्तों, अथॉरिटी की बात आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस काम को करने के लिए जो उसको अथॉरिटी दी गई और अथॉरिटी के बेस पे उससे रिलेटेड जितने भी काम है उसको काम करने के लिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, कितने समय में एग्जीक्यूट कराना है कोई भी काम, और अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल मैटर है तो कितना बजट खर्च करना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है तो कितना बजट खर्च करना है, तो उसकी काम को करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई भी मैनेजर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अपने सबॉर्डिनेट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है कुछ कुछ काम जो है दे देता है जो कि उनको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उसको वो काम करके एक निश्चित समय में और एक लिमिटेड जो बजट उनको दिया गया है उसके अंदर जो है एग्जीक्यूट करके वापस से अपने मैनेजर को बताए कि हाँ भाई ये मैंने काम कर दिया। उसको वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको बहुत ही सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से करें, लेकिन कई बार काम जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। तो लेकिन उसके अंदर जो काम करने की अकाउंटेबिलिटी होती है, जो काम करने की जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, जो काम दिया गया जो उस किसी डिवीज़न का, किसी सेक्शन का या किसी डिपार्टमेंट का जो एक काम है, जो काम उसको करना होता है, अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी उन समस्त व्यक्तियों की होती है जिनको वो काम दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति उसको दिए गए काम के लिए जिम्मेदार है, जिसको कि उसको दिया गया है। तो जवाबदेही जो है वो सबकी होती है, जिसको जिसको जो काम दिया गया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन सबकी होती है जिनको वो काम करना होता है किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन अथॉरिटी सिर्फ एक उस जो पोजीशन होती है, पोजीशन को देख के ही दी जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और ताकि वो व्यक्ति कोई सीनियर व्यक्ति हो या मिडिल मैनेजमेंट में हो या जूनियर मैनेजमेंट पे, वो अपने काम को अपनी दी गई अधिकार क्षेत्र के हिसाब से, अथॉरिटी के हिसाब से उसको कंप्लीट करा सके। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इसमें एक बात कही गई कि यू कैन डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आप डेलीगेट कर सकते हैं कि भाई मेरा काम है, मैं मैनेजर हूँ, मेरे को काम करना है, तो मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अपने सबॉर्डिनेट कर्मचारियों को काम कर दूँ, क्योंकि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिवीज़न की, सक्सेस की, फेलियर की मेरी है। लेकिन अगर मैंने वो काम किसी को दिया गया है तो मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस काम को करने की, उसको हमने डेलीगेट कर दिया अपने सबऑर्डिनेट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में। लेकिन वी कॉन्ट डेलीगेट आवर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को अपनी पावर को कभी भी हम किसी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को या किसी को भी हम नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो कहा क्या है, तो ये पूरा अगर हम आपको बताए तो वी कैन डेलीगेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वी कॉन्ट डेलीगेट आवर अथॉरिटी। तो फाइनली जो भी उस डिवीजन डिपार्टमेंट या सेक्शन की जिम्मेदारी होती है उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। ऑल दो समस्त व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, अकाउंटेबिलिटी सबकी होती है, लेकिन सक्सेस और फेलियर के लिए इस तरह से कप्तान जिम्मेदार होता, उसी तरह से उस डिवीजन का हेड, उसका मैनेजर, जिस काम को करने की उसको अथॉरिटी दी गई थी, करवाने की अथॉरिटी दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वही उसके लिए अकाउंटेबल होता है। तो दोस्तों हमें समझ में आता है, मैं इस अपनी बात को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाया होगा कि ये जो है अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और फाइनली अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अगर आपको इस चीज़ों में अंतर समझ में आ गया हो तीनों वर्ड में, तो कृपया करके जो है हमें ज़रूर से बताएं कि आपको ये बात समझ में आ गई है और आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर बेल बजाना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।